ज्यादा तरीन खबरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चक्रपानपुर में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरुहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के काम से खुश है, क्योंकि बीजेपी हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और हर वर्ग के लिए काम करती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया और बहुत जल्दी यहां वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बनकर के तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने काशीपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? कैसा बना है पूर्वांचल विकास, पूर्वांचल जो आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना है? आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किए हो, कितने लोगों ने यात्रा की है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, मालूम है ना? जुलाई 2018 में इसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था और नवंबर 2021 में कोरोना के बावजूद समय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है? अब तो आजमगढ़ के लोग अगर लखनऊ जाना चाहेंगे तो मात्र 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, मात्र 2 घंटे में। सड़कों का एक जाल बिछ रहा है। गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना कर रहे हैं, वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के बड़े कार्य को आगे